नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। परचून की दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने हजारों की नकदी तथा हजारों का परचून का सामान उड़ाया। एक अन्य व्यक्ति के घर का ताला तोड़ चोरी का असफल प्रयास, अज्ञात चोर हो गए फरार। जानकारी के अनुसार शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम ललौर राजपुताना निवासी करण सिंह पुत्र जय सिंह शाकी के घर के बाहरी कमरे में परचून की दुकान है। बताते हैं, करण सिंह बीते दिवस की रात 9 बजे दुकान में ताला लगाकर घर चला गया। मध्यरात्रि के करीब अज्ञात चोरों ने दुकान के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर रखा सारा सामान पार कर दिया। रात्रि 2 बजे के करीब लघुशंका महसूस होने पर दुकानदार घर से बाहर आया तो दुकान का ताला टूटा पड़ा था और दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सामान बिखरा हुआ था। यह देख विक्रेता के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में घर परिवार के सदस्यों को घटना की जानकारी दी। उधर चोरी की सूचना मिलते ही घर परिवार में कोहराम मच गया। शोरगुल सुनकर मोहल्ले के लोग की भीड़ जुट गई। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा अज्ञात चोरों की संभावित स्थानों पर तलाश की जाती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। पीड़ित परचून विक्रेता के अनुसार दुकान के अंदर शाम को लगभग 3500 रुपए की नकदी जो बिक्री के थे, उसके अलावा दुकान में रखा परचून का सामान, घी, तेल, साबुन, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर, पान मसाला, सिगरेट आदि लगभग 10,000 का सामान चोरी कर लिया गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा गया। पीड़ित द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दिए जाने की जानकारी किए जाने पर विक्रेता का कहना था कि जो होना था सो हो गया, पुलिस को सूचना देने से क्या लाभ। फिलहाल चोरी की घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। इस तरह श्यामू वाल्मीकि के घर चोरी की घटना होने से बच गई। स्थानीय पुलिस से जानकारी की गई तो पुलिस का कहना था सूचना नहीं दी गई, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। फरुखाबाद जिला ब्यूरो, अमित यादव की रिपोर्ट।